हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आजकल तो गर्मी पड़ रही है और आप लोग गर्मी के मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। तो चलिए, इस गर्मी के मौसम में हम लोग ढाबा स्टाइल सत्तू का पराठा बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आप लोग को पसंद भी आएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। और अगर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सत्तू का पराठा बनाते हैं। सत्तू का पराठा बनाने के लिए हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 50 ग्राम हमने सत्तू लिया है चने का, एक मीडियम साइज प्याज को हमने महीन महीन काट लिया है, 4 बड़े चम्मच हमारे सरसों के तेल है, इसकी जगह हम लोग रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं, 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 नींबू के रस को हमने निचोड़ करके रख लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, हमने लाल मिर्च का अचार लिया है जिसको हम फिलिंग में डालेंगे, 1 छोटा हरी मिर्च है जिसको हमने महीन महीन काट लिया है और 1 टुकड़ा अदरक है जिसको हमने घिस लिया है। सत्तू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा मलेंगे। आटे में हम देखिए 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, इससे हम लोग का पराठा थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम लोग का फिलिंग में भी रहेगा। और अब इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। देखिए हम लोग का ये डो तैयार हो गया है और हम लोग इसको हाथ से इस तरह से हल्का सा पानी लगा करके इस तरह से इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि हम लोग की फिलिंग अच्छे से भर जाए इसमें। जब आटा हम लोग का सॉफ्ट रहेगा तो उसकी फिलिंग हम लोग अच्छे से भर लेंगे। और इस आटे को हम लोग 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। आटे को हम लोग 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हम लोग अब इसकी फिलिंग बनाएंगे, इसमें हम सत्तू डाल देंगे और सत्तू में भी हम लोग 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, नमक, अमचूर पाउडर, नींबू का रस, गरम मसाला, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, और इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। इसमें धनिया की पत्ती भी हम लोग डाल सकते हैं। इस समय धनिया की पत्ती हमारे पास नहीं है इसलिए हमने इसमें नहीं डाली है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। जिसको अगर थोड़ा नमक ज़्यादा अच्छा लगता है तो नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दे और जिसको कम अच्छा लगता है वो कम डाले। और ये हम लोग देखिए अगर इसमें हमने मिर्च का मसाला भी डाल दिया है अचार का। देखिए हम लोग की फिलिंग तैयार हो गई है पर ये फिलिंग थोड़ी सी सूखी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। और मिर्ची का अचार से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च का अचार डाला है। तो चलिए हम लोग की फिलिंग तैयार है और हम लोग का आटा भी सेट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका पराठा बनाते हैं। देखिए हम लोग का आटा सेट हो गया है और अब हम इसके गोलोई बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, उसको ऐसे फैला लेंगे।
ये देखिए, एक कटोरी आटे में हमारे 5 पराठे बन रहे हैं और अब हम इसको बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से फैला लेंगे। देखिए हमने लोई रख ली है और अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेलेंगे। और इस पे हम लोग फिलिंग भरेंगे। देखिए हमने 3 चम्मच इसमें भरा है फिलिंग को और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इसको आराम से हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से लगा देंगे। इसको एकदम आराम से हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए अब हम इसी तरह से दूसरा पराठा ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपना दूसरा पराठा ही बनाएंगे। और अगर हम लोग का पराठा हल्का फुल्का फटने लगता है तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सेक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है सेकने में। चलिए इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बना लेते हैं और इसको हम लोग सेकते हैं। तवे को हमने पहले ही गर्म कर लिया है और गैस को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और हल्का सा ऑयल लगा देंगे और हम इसे पराठा एक एक करके सेकेंगे। और अगर हम लोग का पराठा सेकते समय फट जाता है तो हम लोग उसको धीरे धीरे आराम से सेक लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हमने सरसों के तेल में बना रहे हैं क्योंकि सत्तू का पराठा सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आराम से इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे आराम से सेकेंगे अच्छे से। इसको कोई अच्छी सारी सब्जी से, बैंगन आलू की सब्जी बना करके या दही के संग खाने में पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हम लोग का पराठा लाल लाल सीख गया है। चलिए इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम लोग सेक लेते हैं।
देखिए हम लोग का गर्मा गर्म सत्तू वाला पराठा तैयार है। इसको आप दही के संग कोई अच्छी सब्जी बना करके खाइए। और देखिए इसमें फिलिंग दिख रही है जो कि भरी हुई है अच्छे से। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। बाय बाय।